श्री ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ मां सती को लेकर आगे चले, सती की मति में नहीं बैठे, तो सती ने क्या कहा, ये राम ये एक स्त्री के लिए रो रहा है, हाय सीते हाय सीते सीते, ये कैसा ब्रह्म है जो स्त्री के लिए रोता है वियोग में, मैं नहीं मानती। शिव ने कहा कि नहीं, ये राम है लीला कर रहे हैं, कि नहीं नहीं मैं नहीं मानती, एक औरत के लिए स्त्री के लिए ऐसे इल्जाम कर रहे हैं। मां सती ने कहा अच्छा, याद रखना पढ़े लिखे को समझाना बड़ा टेढ़ा काम है, सबसे खतरे का काम है ये, और मां सती इस समय ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्ञानवान बन रही है, ताकतवर, ठीक है, मन में अभिमान, कहा कि अच्छा अच्छा ये राम है। तो शिव ने क्या कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं था, तो देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह कीले जाए परीक्षा ले, देवी तुम्हारे मन में अगर ज्यादा संदेह तो जाओ और जाकर परीक्षा ले, विनाश काले विपरीत, माता पिता धर्म और राम की जिसने परीक्षा ली उसे का विनाश हो जाए। और सती ने कहा ठीक बात, बिल्कुल मैं परीक्षा लेने जा रही, और सती जा रही है कहां, राम की परीक्षा। सती ने शिव को प्रणाम किया है, लेकिन शिव के आदि नेत्र सजल है, नाना भांति संभो समझावा, अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन जब वक्त बुरा होता है ना साहब, तो उस समय किसी की बात समझ में नहीं आती, कहते मां तारा जैसा गया होशियार गणा तू बाहर में सरपंची करते, लेकिन जब ठोकर लगती है तब समझ में आता है कि कौन सही था और कौन। प्रणाम किया फिर भी अंतिम समय पर चलते चलते भगवान शिव ने कहा कि सती जाओ तुम्हारा कल्याण, शिव ने क्या कहा है समझना पड़ेगा। कथा जब प्रारंभ हुई थी तो मैंने कहा था कि भगवान की कृपा से अच्छा पति और भगवान की कृपा से अच्छी पत्नी मिलती है, अगर कृपा ना हो तो शिव जैसी शक्ति को भी सती जैसी पत्नी मिलती है, जो पति की आज्ञा ना मान, धर्म को ना मान, राम की परीक्षा के लिए जाती है और अपने जीवन का पतन कर लेती है। ईश्वर की कृपा से रिश्ते संबंध मिलते, हर किसी को संबंध और रिश्ता नहीं मिलता। आज जैसे ही मां सती ने कहा कि ठीक है मैं जाती हूं और आज राम की परीक्षा ले, और धरे सीता को काय करूं, सीता और बाबा से कह रही है अभी वहम दूर हो जाएगा, देखो दो मिनट में चुटकी लगी, अभी जा माया से रूप बदल लिया, सती से क्या बन गई सीता। याद रखना साहेब, बनावटी चेहरे बनावटी बातें ज्यादा दिन नहीं चलती, जब बारिश गिरती है तो अच्छे अच्छे दीवारों की पुताई उतर जाती है, जो सत्यता है वही रह जाएगी। सती कहने लगी ठीक है मैं जाती हूं, सीता का रूप बना, किसकी परीक्षा, राम, और राम कौन है, मायापति, और सती ने माया से अपने रूप को परिवर्तित किया, और जैसे ही चलने लगी राम को आते देखा एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर रूप बदल रही है, सोच रही है कि अब पेड़ के पीछे मैं रूप बदल रही हूं राम कैसे देखेगा, भूल गई सती, सिया राम में सबकी नजरों से वो हर जगह हर क्षण हर घड़ी हर पल तुम्हें देखता है, कब तक बचोगे और कहां तक बचोगे, नहीं बच सकते। और आज जैसे चलने लगे राम ने देखा सती आ रही है, राम ने रास्ता बदल दिया, क्यों, क्योंकि जिस रास्ते पर माया रहती है वह राम नहीं रहता,
जहाँ माया होगी वहाँ मेरे रघुवर नहीं रहेंगे। रास्ता बदल लिया, सती ने सोचा अरे ये इस रास्ते से आ रहे थे, रास्ता बदल दिया, कोई बात नहीं मैं दूसरे रास्ते के आगे जाए, तो दौड़कर आगे खड़ी रही, फिर तीसरा चौथा ऐसे घेर रही है राम को कि माया करत रही नित फेरा। लीला से समझना चाहिए कि अगर तुम राम को मानते तो याद रखें चारों तरफ माया घूम रही है, कभी बेटे के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, जबकि मरने के बाद ना कोई माँ है, ना बेटा है, ना बेटी है। क्यों? पत्नी है तो चौखट तक और बेटा है तो शमशान तक, उसके आगे तो अकेले ही सफर करना है, उसके आगे कुछ नहीं है। और आज जैसे ही माँ सती जब घूम रही है, राम ने देखा कि अब ये मानने वाली नहीं है, अब इसका अनुमान तोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही राम ने सोचा, राम के साथ लखन भी साथ आगे चले, जैसे ही माँ सती को आते देखा, लक्ष्मण ने राम की ओर देखा और कहा भैया ये लीला अचानक कैसे बदल गई, रावण तो मरा ही नहीं, सीता कैसे आ गई, क्या सिपाही सो गए या कैदखाना कमजोर था। राम मुस्कुराए, कहा नहीं तो चलो। जैसे आगे पहुंचे सीता के रूप में माँ सती खड़ी हैं, सती मुस्कुरा रही है राम को देखकर, सोच रही है कि बस फंस गया, ये मेरी माया में फंस गया, मैं शिव को कह दूंगी कि जिसे तुम परब्रह्म परमात्मा कहते हो वो मेरी माया में फंस गया, मुझे सती को सीता समझ बैठा। और राम इसलिए हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सती तुम माया में रूप बदल के आई है, लेकिन आज तू मायापति के जाल में फंस गई है। और याद रखना, जब मेरा ठाकुर हंसता है ना, मेरा गोविंद हंसता है, जब भी उसने किसी को देख कर हंसा और जब भी वो हंसा तो सामने वाला फंसा, फिर नहीं छूट सकता। राम आज जैसे ही माँ सती के सामने मुस्कुरा रहे हैं, राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया और कहा लखन जाओ, जाकर माँ को प्रणाम करो। देखिए मारने के दो तरीके होते हैं, होशियार वो नहीं जो गाली देकर झगड़ा करके मारे, होशियार वो है जो प्यार से कह रहे वाह तू ही तो मेरा लाड़ला है। लाड़ लड़ा के अगर मारोगे तो ऐसी मार पड़ेगी कि अगली बार सुधर जाएगा, आएगा ही नहीं। और अगर आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो याद रखनी, अपने बच्चों के सामने शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो आपसे आपके विपरीत हो सकते हैं, आपके सामने खड़े हो सकते हैं। बच्चे को समझाना है, बड़े बच्चे को, तो ऐसा कर्म करो कि बोलो मत, व्यवस्था ऐसी रख दो सामने कि वो खुद समझ जाए कि अब क्या करता है। विवाद दूरी को जन्म देता है, माता पिता बच्चों में आजकल जो घरों में बढ़ रहा है वो विवाद है, और विवाद दूरी को जन्म देता है। इससे अच्छा मौन हो जाओ, जब तुम मौन हो जाओगे अपना काम स्वयं करो, एक दिन बच्चे खुद बैठ गए नहीं कुछ भी है गलत किया माता। तो आज राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया और कहा कि जाओ माँ को प्रणाम करो। लक्ष्मण ने कहा मैं